जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गईं, गांव के गांव रेलों की नज़र। रुझान कोटद्दू राजनपुर हाफसाबाद डेरा गाजी खान मंचनाबाद में हर जानब तबाही ही तबाही। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 99 मकानात गिर गए, 12 अफराद चल बसे। टांग में हैजे की वबा फूट पड़ी। बलोचिस्तान की हालत इज़ार, बोलने दिखाई, अवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फर्रा शाह ने बोलियों की खसूसी ट्रांसमिशन में कहा कि सैलाब से 50,000 मकाना तबाह हुए, अभी नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तवील मुद्दत मनसूबा बनाएंगे, अगले साल फिर बारिशें होनी है, पता नहीं गुज़श्ता हुकूमतें कहाँ सो रही थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा अफराद शहबाज शरीफ के सामने फट पड़े, कहा हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए, खाने को कुछ नहीं, कोई हमारे पास नहीं आया। पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक और कामयाबी। वासिक कयूम डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। शिकस्त के खौफ से अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजद की जमा नहीं कराए। फवाद चौधरी कहते हैं कि वासिक कयूम कभी दोस्त मजारी की तरह लोटा नहीं बनेगा। राजा बशारत बोले कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। नून लीग को हार हजम ना हुई। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौकफ इख्तियार किया कि स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए होता है। स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए हाजिर हों। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाप और बेटे को 7 सितंबर को तलब कर लिया। दोनों की आज हाजिरी से सिस्टा की दरख्वास्त मंजूर। मकसूर चपरासी की मौत की तस्दीकी सर्टिफिकेट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। समाग मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।